तो दो तीन साफ स्पष्ट मांगे राहुल गांधी जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार, कानूनी गारंटी किसानों को मिलनी चाहिए, वो आप तुरंत दीजिए। महाराष्ट्र के किसानों को, मध्य प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसलें कम से कम 6,000 रुपये में प्रिक्योर कीजिए। और जब जिन किसानों ने अपनी फसलों को बेच दिया है उनके खातों में आ वो डिफरेंस जो सपोर्ट प्राइस का है उसको अगर आप 6,000 रुपये निर्धारित करते हैं तो बची हुई राशि उन किसान भाइयों के खाते में डालने की हम गुजारिश करते हैं। और ये जो रस्म अदायगी है समर्थन मूल्य घोषित करने की, इस पर पुनः विचार कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बंद कमरों में, और खुद CACP, ये गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, रबी सीजन 2021 की रिपोर्ट में तो खुद कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने लिख दिया कि सरकार भी जो फसल खरीदती है वो ऐसे समय बाजार में बेच देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रेश हो जाते हैं। तो खेती किसानी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी, खड़गे साहब एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं कि किसानों के लिए हर लड़ाई सदन से सड़क तक हम लड़ेंगे।